सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है अगला दिन नई सुबह, तो आज कहीं का प्लान। आज अभी सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो गए हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, बट गीज़र वीज़र लगे होते हैं। यार किसी भी होटल में आप रहोगे ना, गीज़र वीज़र आपको आराम से मिल जाएंगे, तो आप आराम से नहा सकते हो, जो भी करना होगा आराम से कर सकते हो। मतलब गर्म पानी की यहाँ सुविधा है। तो आज देखते हैं कहीं भद्रवाह की मेन सिटी में कोई अच्छी सी जगह, एक चिनोद माता मंदिर है वहाँ जाएंगे, और भी बड़ी सारी अच्छी जगह भद्रवाह की आज घुमाते हैं आपको भद्रवाह अच्छे तरीके से। पहले करेंगे ब्रेकफास्ट, पूड़ी खाने का बोर्ड है, देखते हैं यहाँ मिलती है कि नहीं। किसी से पूछते हैं कि सबसे अच्छी पूड़ी कहाँ मिलती है, फिर आएगा मज़ा। चलो जी चलते हैं। तो अभी देने जा रहे हैं जी जैकेटें, जो इसकी कज़न से ली थी ना, वो वापस भी करनी है, घर पे वापस थोड़ी लेके जाने हैं, तो वही देने जा रहे हैं वापस। कहीं दुकान ही नहीं मिल रही है। सच में यार वो भैया लाइफ सेवियर थे, पता नहीं 3 दिन हम कैसे निकालते, अगर हमें नहीं मिली होती ना, पता नहीं कैसे निकलते थे यार। इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है रात को, सुबह गर्मी रात को इतनी ज़्यादा ठंड, मतलब बिना जैकेट के नहीं होता गुजारा। पहले जाएंगे जी चिनोद माता मंदिर, फिर वहाँ से होते हुए एक नहाने वाली जगह आती है, वहाँ पर जाएंगे। जी शानदार मंदिर चिनोद माता का, चंडी माता जी का, ये खूबसूरत पहाड़ों के बीच में ये मंदिर। जी अब दे देते हैं प्रदक्षिण, यहाँ से मंदिर के साइड से ना ऐसे चलना होता है, उसको कहते हैं प्रदक्षिण। बहुत ही मतलब मंदिर में आके आपको इतना अच्छा लगेगा ना, मतलब इतनी सुंदर पहाड़ों के बीच में ये मंदिर, और मंदिर में आके हमेशा ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, खासकर ये चंदन का टिक्का लगाया हो तो बिल्कुल शांत रहते हैं। काफ़ी सुंदर ये मंदिर, बहुत जगह देखो यार क्या लोकेशन पे है। ये है जी भद्रवाह की वैली। आए हाय यहाँ की जी धूप इतनी मीठी मीठी सी है ना, मतलब हमारे शहर, मतलब आप कहीं और जाओगे वहाँ की धूप बिल्कुल चुभती है, पर यहाँ की इतनी मीठी मीठी धूप नहीं, आपको नहीं लग रहा है यार? बहुत ज़्यादा भद्रवाह की धूप में कुछ जादू और है ना। इसलिए अभी हम प्लान कर रहे हैं, हम जाएंगे नहाने, मतलब वो जो होता है ना कौन सा पानी, फ्लोइंग वाटर, सबसे चलता पानी उसमें अभी हम जाएंगे। जगह का नाम पूछे, क्या नाम है जगह का? नाल्टी जा रहे हैं जी नहाने के लिए। ये बड़े दिनों से नहाया नहीं है, आज इसकी मनोकामना पूरी होगी। मंदिर जाते हुए भी ये नहा के नहीं आया यार, ऐसे कौन जाता है यार बिना नहाए मंदिर? नहीं करूं भैया, बिल्कुल मंदिर कल भी नहीं नहाया, आज भी नहीं। मंदिर नहा के जाना चाहिए भाई। पूछ गई है नाल्टी, काफी सुंदर ये जगह नहाने वाली। यहाँ नीचे पानी, मतलब नेचुरल पानी का मज़ा ही अलग होता है, तो हम नीचे जा रहे हैं। पर ऊपर ही कर लेना, मतलब ये जगह कम लोगों को भी पता है, इसकी कज़न ने हमें बताई, लोकल ही है ना यहाँ के। मतलब रास्ते से जहाँ चिनोद माता का मंदिर आता है ना, वहाँ से बिल्कुल पास में ही है। और आपको जगह दिखाता हूँ यार, क्या क्लास है ये, ठंडा ठंडा पानी, पूरी हसीन वादियाँ, मज़े ही मज़े। इतनी गर्मी में जी इतना ठंडा पानी ये खाली पहाड़ों में ही मिल सकता है, नहीं है। मतलब ऐसी जगह जहाँ नहाने का मज़ा ही आ जाए, सामने पेड़, आए हाय हाय, मतलब यहाँ टाइम स्पेंड करो, मज़ा आने वाला है सच में, क्या जगह है। पानी है जी इतना ठंडा, 2 मिनट आप पाँव रखोगे ना बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे। तो जी फाइनली नहा लिया, अब जा रहे हैं वापस। फोन ना साइड पर रखा हुआ था, ऊपर से पड़ी सूरज की किरणें और फ़ोन हो गया था काफ़ी ज़्यादा गर्म। और आईफोन्स में एक फीचर है कि इसमें वार्निंग आ जाती है, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देते हैं जैसे ही, मतलब पता लगे ना इसको बैटरी गर्म होने वाली, सब कुछ डिस्कनेक्ट करके एक पॉपअप आ जाता है जैसे आईफोन नीड्स टू बी कूल्ड। काफ़ी बढ़िया फीचर लगाया मैंने जैसे ही फ़ोन उठा था, इतना गर्म, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें,
खासकर जब आपने गाड़ी वगैरह में रखा होता है ना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि बाकी फोनों में तो आती नहीं है, तो कभी भी कोई ठा हो गया ना फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। खासकर गाड़ी में तो अगर रख रहे हो तो साइड में रख देंगे, कोशिश करें जेब में ही, नहीं तो फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ सनलाइट नहीं पड़ती हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे, भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी है, चलेंगे लंच। तो गाइस फाइनली पहुंच गए जस्ट चिल कैफे में। कल हमने कैफे में ये खाए थे यार, चीज़ चाउमीन खाए थे यार, इतने टेस्टी बनाए थे इन्होंने। मतलब आप भद्रवाह में आओ ना, अगर आपको चाउमीन या कुछ भी खाना है ना, इस फास्ट फूड में आना जस्ट चिल। ये वाले भैया इन्होंने बनाए थे यार, पनीर के जो पीस थे बिल्कुल ऐसे देसी पनीर लग रहा था। 1 2 3 गो यार। जैसे जो कल भी हमने ये मंगवाए थे और आज भी, और भैया ने एक्स्ट्रा पनीर भी डाला है, मैंने हम बोला था ना तो थोड़े से डालने के लिए यार। क्या मतलब इतनी सही डेस्टिनेशन में इतना सही चाउमीन, इतने सही लोग, वो दुनिया में क्या चाहिए, क्या चाहिए, चाहिए कुछ खास नहीं।